आज हम बात करेंगे सदपुष्पा सदाबहार सदा सुहागिन के बारे में और उसके औषधि गुणों को भी बता देंगे। अब उसके देख लीजिए, ये है सदपुष्पा, ये सदपुष्पा है। सदपुष्पा सदा सुहागिन कहते हैं, इसी को सदाबहार भी कहते हैं। देख लीजिए, पहचान लीजिए, सदाबहार सदा सुहागिन। अब इसे इंग्लिश में पेरिविंकल कहते हैं। अब इसके औषधि गुणों की ओर चर्चा करेंगे। वैसे तो ये भारत में सर्वत्र पाए जाते हैं। पहला प्रयोग मधुमेह रोगी में इसका पहले पत्ते का और जड़ तना फूल इस सभी का आप पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बनने के पश्चात इसे एक एक चम्मच सुबह शाम खिलाने से मधुमेह में लाभ होता है। इसे डायबिटीज भी कहते हैं। और एक और प्रयोग है मधुमेह के लिए, जो अगर निरंतर हम 6 महीना ये प्रयोग करते हैं शुगर डायबिटीज के लिए, तो 6 महीने के अंदर ही जड़ से समाप्त हो जाता है शुगर। इसका प्रयोग है, ये सदपुष्पा को मिला लीजिए अर्जुन की छाल, गुलर की छाल और जामुन छाल, इस सभी का, और 2-4 है मैं भूल रहा हूँ, और 2 औषधि है, इसकी सभी छालों को आप मिला लीजिए। और मिलाने के पश्चात इसमें एक और चीज़ याद आ गया, बकावन महानीम नीम इन सभी का मिश्रण कर पाउडर बना लीजिए। और पाउडर जब बन जाए तो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में आप रात भर इसे भिगो दीजिए। जब रात भर भींग जाएगा तब प्रातः काल सुबह उसे छन्नी कर लीजिए उस पाउडर को, और उसे पानी जो बचा है इसे पीने से निश्चित रूप से 6 महीना यदि लगातार पीते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होगा और मधुमेह और शुगर जड़ से समाप्त हो जाएगा। अगला प्रयोग आपको बताते हैं शरीर की अकड़न में। जैसे कभी कभी क्या है, शरीर अकड़ जाता है या इधर उधर मतलब फैलाने से नहीं फैलता है, हाथ पांव का अकड़ जाना, हाथ पैर का, तो इसमें भी हम इसका पंचांग का प्रयोग करते हैं। और पंचांग का प्रयोग करने के पश्चात आप इसे सुबह शाम खाली पेट 1-1 ग्राम की मात्रा में खाने से निश्चित रूप से लाभ होता है। अगला प्रयोग है अत्यताओं में, जिन माता बहनों का अत्यता मतलब ब्लड का अधिक जाना, मासिक धर्म के दौरान ब्लड का अधिक जाना या 10 से 15 दिन तक जाते रहना, ये अत्यताओं की समस्या है, तो इसमें आप क्या करें, आप इसमें इसके पूरे पंचांग का पाउडर बना लीजिए। और पाउडर बनने के पश्चात आप इसमें 1-1 ग्राम की मात्रा में आप इसे लेने से अत्यताओं की समस्या है वो दूर हो जाती। और अगला प्रयोग है रक्त कैंसर में, इसका गुप्त प्रयोग है रक्त कैंसर में। रक्त कैंसर में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में रक्त का दूषित हो जाना, रक्त का दूषित हो जाने के कारण हम बार बार अपने ब्लड को डोनेट करते हैं या बाहर निकालते हैं, फिर दूसरा ब्लड डालते हैं अपने शरीर के अंदर में, तो क्या होता है उसमें क्या है, फिर ब्लड डालने से फिर रक्त दूषित हो जाता है, इसलिए ब्लड कैंसर हो जाता है। सभी लोग जानते हैं ब्लड कैंसर के बारे में। तो आप इसके पूरे पंचांग को उखाड़ लीजिए, जड़ तना पत्ते और फूल, ये पूरे पंचांग रहना चाहिए, एक भी चीज़ नहीं छूटना चाहिए, फूल भी रहना चाहिए, जड़ तना सभी को सुखा लीजिए। सूखने के पश्चात इसे सुबह शाम आप 1-1 चम्मच यदि ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से रक्त कैंसर में आराम होता है। अगला प्रयोग है माता बहनों का स्तन कैंसर और मूत्राशय कैंसर। मूत्राशय कैंसर में क्या होता है, रक्त का बाहर निकलना दर्द के साथ में या रक्त का लगातार जाते रहना,
और स्तन में सूजन, गांठ, ये सभी समस्याओं को ये सदाबहार सत्व से लाभ होता है। इसमें भी आप इसके पूरे पंचांग को या फूल को या पत्ते का कोई भी एक चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं और फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप पूरे पंचांग का ही प्रयोग कर लीजिए, सभी इसमें सभी का गुण समान है, तो आप पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से 1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से निश्चित रूप से लाभ होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस सदाबहार पौधे को हर एक घर में लगा कर रखना चाहिए। सदाबहार है, सदा सुहागन है, ये बारहमासी 12 महीना फूल देने वाले औषधि है। ये अब इसे हम गार्डन में घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन ये इसका औसत प्रयोग काफ़ी ज़्यादा है। इसका औसत प्रयोग न जानने के कारण हम इसे अपने घर में लगाते नहीं हैं। अब अपना वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।